नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के समान थाना पुलिस ने नकली सोने को असली सोना बताकर लोगों से ठगी करने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली सोना भी बरामद किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा के बताए गए हैं। पुलिस जिनसे फिलहाल पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक नवनीत वसीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा समान थाना क्षेत्र में नकली सोने को असली बताकर बिक्री किया जा रहा है, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक शिवाल चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समान निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम के द्वारा नकली सोना बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से नकली सोना भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी रामलखन सिंह महगना उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम महगना थाना मनगवा हाल मुकाम नेहरू नगर ने रिपोर्ट की कि दिनांक 8 फरवरी को दोपहर 2 बजे करीब मैं समदड़िया होटल के सामने ओवरब्रिज के नीचे सब्जी लेने के लिए गया हुआ था। वहीं पर मुझे दो व्यक्ति मिले जो मुझसे बोले कि हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, खुदाई के दौरान हम लोगों को सोने की लड़ी लगी झूमर मिली है, उसे बेचना चाहते हैं। दोनों व्यक्ति एक काले रंग की पन्नी के अंदर रखे सोने की लड़ी जैसा झूमर को दिखाया और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा दिया, बोले कि इसे आप चेक करा लीजिए, असली सोना है। बाजार में सोने की झूमर की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर है, हमें पैसे की जरूरत है, आप 2 लाख रुपए में ले लीजिए। मैंने कहा कि इसे चेक कराने के बाद बताऊंगा। तब उन दोनों व्यक्तियों ने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और मुझसे एडवांस 3000 रुपए ले लिए। इसके बाद कल शाम को मेरे नंबर पर फोन लगाकर बताया कि पैसे की व्यवस्था हो गई हो तो सोने का झूमर ले लीजिए, नहीं तो हम लोग बाहर चले जाएं। कल दोपहर करीब 3 बजे मैं उनके बताए स्थान मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल में गया तो वो दोनों व्यक्ति वहां पर मिले, जिन्होंने अपना नाम मुखिया राय एवं वीरू कुमार दोनों निवासी गौतम नगर थाना इत्मादौला जिला आगरा उत्तर प्रदेश बताए। उनसे सोने की झूमर दिखाने के लिए बोला तो उन्होंने पूर्व में दिए सोने के टुकड़े एवं झूमर में लगे टुकड़ों में अंतर था। तब मुझे शक हुआ कि यह दोनों व्यक्ति मुझसे धोखाधड़ी कर नकली सोने को असली सोना बताकर मुझे बेच रहे हैं, तो पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे का नकली सोना बरामद कर लिया है। ये परसों राम लखन सिंह महगना जाने माने कवि हैं और वो सब्जी खरीद रहे थे ओवरब्रिज के पास, तो उनसे दो व्यक्ति मिले, बोले कि हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास कुछ सोना मिला है और हम उसको बेचना चाहते हैं, पैसों की ज़रूरत है। और सैंपल बताओ, उन्होंने एक गुड़िया दिया जो उनको चेक करने के बाबत और 3000 रुपए एडवांस ले लिया, और जो उनके पास मात्रा थी सोने की बल्ले सौदा तय हुआ कि 2 लाख रुपए में दे देंगे, मजबूरी हमारी। तो कल दिनांक को जब उन्होंने फ़ोन किया आरोपियों ने कि पैसा क्या तैयार हो गया है, नहीं हम जाने वाले हैं, बाहर निकल जाएंगे, तो उन्होंने संपर्क किया, जाके देखा कि जो सामान रखे हैं उनको दिखाने की बात आई, तो देखे तो वो कुछ मिसमैचिंग किया असली वाले से अलग, तो उनको डाउट हुआ, बोले हम पैसे लेके आते हैं कह के थाने आ गए, रिपोर्ट किए। उनके रिपोर्ट के आधार पे फिर पुलिस मौके पे गई, आरोपियों के कब्जे से 1.8 kg नकली सोना मिला, जिसे जब्त किया गया और आरोपियों के विरुद्ध 420-34 की कार्रवाई की गई। आरोपी आगरा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से वो केंद्रीय जेल रीवा भेज दिए गए हैं। उनसे पूछताछ में प्रथम दृष्टया आया कि लगभग 1.5 महीने से वो सतना में कैंप बना के रह रहे थे और मजदूरी करते और ये ठगी का प्रयास कर रहे थे, और इस संबंध में जानकारी उठाई जा रही है, वहाँ भी जानकारी शेयर की गई है। ये आगरा के रहने वाले, ये वहीं से लाके ठगी करने की नीयत से ये घटना करना बताया।